आप रेल में सफर करते हुए खाने का लुत्फ उठाते हैं तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपकी जेबें ढीली होने जा रही है। और इसके पीछे रेलवे का ये कहना है कि बढ़ी हुई कीमतों के जरिए कैटरिंग सर्विस की क्वालिटी में सुधार लाया जाएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि चलती ट्रेन में खाने पीने की चीजों की कीमतों में इजाफे ना सिर्फ प्रीमियम ट्रेनों के यात्रियों को बल्कि आम लोगों को भी प्रभावित करेगी। ये रिपोर्ट देखिए। करोड़ों ट्रेन यात्रियों को लगा झटका। सफर में चाय नाश्ता हुआ महंगा। ट्रेन में खाने पीने के लिए खर्च करने होंगे ज्यादा पैसे। 2014 के बाद पहली बार हुआ इजाफा। 4 माह बाद लागू होगी बढ़ी हुई दरें। आम लोगों को भी प्रभावित करेंगी नई दरें, क्योंकि यह रईसों की ट्रेन है। खाना तो बिल्कुल महंगा हो गया है और क्वालिटी या क्वांटिटी भी दोनों बेकार है। पानी जो 10 रुपया 12 रुपया मिलता था, 20 रुपया मिलता है गाड़ी में। अब इतना महंगाई हो गया है। अब हम लोग चाहते हैं लेकिन चाह करके भी कुछ नहीं होता है। कंप्लेंट भी करते हैं रेल मंत्रालय में, कोई सुनने वाला ही नहीं है। अगर आप ट्रेन में खाने पीने का शौक रखते हैं तो खबर आपके लिए है, क्योंकि ट्रेन में खाने पीने का ये शौक अब आपकी जेब पर महंगा पड़ने वाला है। रेल यात्रा के दौरान चाय नाश्ता और भोजन के लिए अब आपको करीब 2 गुना खर्च करना होगा। रेलवे बोर्ड में पर्यटन और खानपान विभाग की तरफ से जारी सर्कुलर से ये पता चलता है कि राजधानी शताब्दी और दुरंतो ट्रेन में चाय नाश्ता और खाना महंगा होने जा रहा है। सुबह की चाय के मुकाबले शाम की चाय ज्यादा महंगी होनी जा रही है। दरअसल रेलवे शाम की चाय के साथ ज्यादा स्नैक्स देने की योजना बना रहा है। इन बढ़ी हुई कीमतों को लेकर भी रेलवे के अपने तर्क हैं। रेलवे का कहना है कि बढ़ी हुई कीमतों के जरिए कैटरिंग सर्विस की क्वालिटी में सुधार लाया जाएगा। रेल मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि समिति ने भारतीय रेलों में सफर करने वाले यात्रियों को बेहतर और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के लक्ष्य को जहन में रखते हुए सभी पहलुओं को ठीक से परखा। अगर यात्री भोजन का विकल्प चुनते हैं तो जिन ट्रेनों में भोजन के लिए पूर्व में भुगतान करना होता है उनके कुल टिकट किरायों में 300 से 900 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। जलपान की ये नई दरें 29 मार्च 2020 से लागू हो जाएंगी। वहीं जनता भोजन की दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है और वो 20 रुपए ही है। इसमें कहा गया है कि व्यंजन सूची के अलग अलग खाद्य सामग्री के नाम पर ज्यादा पैसे वसूले जाने से रोकने के लिए अब ये तय किया गया है कि इस तरह का कोई खाना मेल या एक्सप्रेस ट्रेन में नहीं बेचा जाएगा। हालांकि समोसा पकोड़ा और व्यंजन सूची में शामिल दूसरे नाश्ते की बिक्री की इजाजत होगी। ये भी तय किया गया है कि बिरयानी की लोकप्रियता को देखते हुए इसे मानक भोजन के तौर पर परोसा जाएगा। रेलवे बोर्ड का सर्कुलर कहता है कि IRCTC के आग्रह और बोर्ड की ओर से गठित मेन्यू एंड टैरिफ कमेटी की सिफारिशों पर कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया गया है। IRCTC की केटरिंग सर्विस जिस चीज के लिए काफी दिनों से परेशान थी उसकी अब वो बात भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा मान ली गई है। जी हाँ, ये बात थी उसकी केटरिंग सर्विसेज की जो प्राइस है उसको इंक्रीज करने को लेकर। अब जो प्रीमियम ट्रेन है IRCTC के अंडर जो आती है, जैसे कि राजधानी दुरंतो और शताब्दी जैसी ट्रेनों में, अब आपको अपनी एक कप चाय के लिए 35 से 20 रुपये तक ढीले करने पड़ सकते हैं। वहीं अगर बात करें सुबह के नाश्ते को लेकर और शाम के खाने को लेकर, तो उसके लिए भी आपको 150 से 250 रुपये देने पड़ेंगे एक वक्त के खाने के लिए। जी हाँ, ये प्रावधान काफ़ी समय से IRCTC जो केटरिंग सर्विसेज थी वो लाना चाहती थी और वो रेल मंत्रालय में अर्जी कर रही थी, लेकिन वो काफ़ी समय से उसका जो बात थी वो मानी नहीं जा रही थी। लेकिन अब इसके अभी जो हालिया बात है उसके हिसाब से रेल मंत्रालय ने IRCTC केटरिंग सर्विसेज की बात मान ली है और ये उसके जो रेट है उनको एक्सेप्ट कर लिया है। अब ऐसे में बता दें आपको फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आपकी जेब पर इसका भार नहीं आने वाला है। जी हाँ, इसको आने में कम से कम 120 दिन लग सकते हैं। जी हाँ, 120 दिन यानी कि 3 महीने के अंदर जो नियम है या ये कहें कि जो नए रेट्स हैं वो अमल में आएंगे, यानी कि आपको लगभग 3 महीने बाद से प्रीमियम ट्रेन्स में एक कप चाय के लिए दुगने से ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। वहीं अगर खाने को लेकर बात करें तो खाने के लिए भी आपको दुगने से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी जब 3 महीने बाद रेट इंक्रीज होकर जनता के पास पहुंचेंगे तो जनता इस पे कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि अगर एक नॉर्मल लेकर बात करें तो इसमें भी जो रेट्स हैं वो लेवल वाइज देखे गए। अगर आप फर्स्ट क्लास में सफ़र करते हैं तो आपके लिए रेट अलग है, अगर आप सेकंड क्लास में सफ़र करते हैं तो आपके लिए रेट अलग है, वहीं अगर आप थर्ड क्लास में सफ़र करते हैं तो उसके लिए भी आपके वो रेट अलग है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी जो फर्स्ट एसी में जाकर
खुद ही अधिक पैसे पे कर रहा है, उसके बाद खाने के लिए भी ज्यादा पैसे पे करे, तो ऐसे लेकर जनता क्या रिएक्ट करती है। लेकिन एक बात तो साफ है कि चलती ट्रेन में खाने पीने की चीजों की कीमतों में इजाफा न केवल प्रीमियम ट्रेनों के यात्रियों को बल्कि आम लोगों को भी प्रभावित करेगा। हमारी चाय जब 7 से 10 की हुई थी, हमारे चाय बिकने कम हो गए थे क्योंकि लोकल पैसेंजर यहाँ जो 3 रुपए एक बैग भरना, और जो 10 की 20 की हो रही है ये तो आम पब्लिक पे बिल्कुल ही बोझ है, फिर हमारी चाय बिकनी ही बंद हो जाएगी। अभी जैसा कल खबर आया है कि शताब्दी, राजधानी और दुरंतो ट्रेनों में चाय और नाश्ते का पैसा जो है पहले से काफ़ी बढ़ा दिया गया है, सीधा डबल कर दिया गया है, लेकिन क्वालिटी वही रहेगी, पैसा बढ़ा दिया गया है। तो ये दिन पर दिन हर चीज़ें एक तो प्राइवेटाइज होती जा रही है रेलवे के अंदर, ऊपर से चीज़ों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, पर सुविधाएँ ज्यों की त्यों पड़ी हुई, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। तो मैं एक बार कहना चाहूँगा रेल मंत्री को भी कि इस पे ध्यान दीजिए। खाना तो बिल्कुल महंगा हो गया है और क्वालिटी या क्वांटिटी भी दोनों बेकार है। पानी जो 10 रुपया 12 रुपया मिलता था, 20 रुपया मिलता है गाड़ी में, अब इतना महंगाई हो गया है। अब हम लोग चाहते हैं लेकिन चाह करके भी कुछ नहीं होता है, कंप्लेन भी करते हैं रेल मंत्रालय में, कोई सुनने वाला ही नहीं है। पिछली बार 2014 में दरें बदली गई थी और अब 2014 के बाद 2020 में ये बदलाव सामने आएगा, तो ट्रेन में नाश्ते खाने की दरों में बदलाव की मुहर तो लग गई है। अब देखना होगा कि खाने की क्वालिटी में बदलाव कितना आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।